नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स, मैं हूं पल्लवी। शेयर मार्केट की आज बात करें तो पूरे दिन गिरावट के साथ ही ट्रेडिंग हुई, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में ये गिरावट और ज्यादा गहरा गई। क्लोजिंग बेसिस पर सेंसेक्स 145 अंक, निफ्टी 34 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि निफ्टी 9200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की और निफ्टी में करीब 45 अंकों की गिरावट क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली। आज के सेशन में पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज्यादा गिरकर बंद हुए, जबकि तेल, गैस, टू व्हीलर, ऑटो, सीमेंट शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली। अगर बीएससी के सेक्टर्स हम देखें तो रियल्टी, फार्मा को छोड़ दिया जाए और साथ ही टेलीकॉम, ज्यादातर सेक्टर्स आज लाल निशान में ही क्लोज हुए। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईएस की तरफ से कैश में 580 करोड़ की बिकवाली रही, वहीं डीआईएस की तरफ से 701 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी। बाजार के बड़े एक्सपर्ट गौतम शाह क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। Next 1 year, the Nifty could easily give you 15-17% upside. So looking at that, even at levels of 90-100, one should be looking to buy. Also, I think if you look at the scenario based on VIX or the global markets or, you know, any other fundamental factor, you know, from a news flow perspective, all of it is looking pretty relaxed right now. And I think people are very excited about the earnings season that is about to kick off. So all of these factors tell me that this bull market will continue. One should not be a pessimist here. One should not get scared with levels, which I really get a feedback from a lot of market participants. And our belief is that the Nifty will continue to hold the level of 9,000 for many weeks to come. While our near-term target for the Nifty is about 9,500, we believe that over the next 12 to 16 months, we could go as high as 11,000. And, you know, that's the bigger picture target that we are working with. Within the banking space itself, I think the PSU banks are likely to see a monster rally. You know, you might say that it's already up quite a bit in the last 2 months, but if you look at the last 5 years and if you compare PSU banks vis-a-vis some of the other segments of the market, I think there is a lot more upside. Many of the smaller PSU banks can actually double in value over the next 6 to 9 months. And some of the larger names in the PSU space can give you anywhere between 30-50%. So there is going to be gross outperformance from this space. And I think it's the PSU banking space which is likely to lead this, big bull market that you're going to see in Indian markets. And because of that, the Bank Nifty can actually go substantially higher. In fact, we ourselves do not believe it when we look at the charts, but we are getting a target as high as 25,000 on the Bank Nifty, and we expect these levels to be achieved by the end of this year. तो गौतम शाह को आप सुन रहे थे जो काफी पॉजिटिव लग रहे थे कि जल्द ही बैंक निफ्टी में 25,000 का स्तर देखने को मिल सकता है। बैंक्स के अलावा आईटी की अब बात कर लेते हैं। कल बाजार की नजर इन्फोसिस के नतीजों पर रहेगी। आज के एक्सपर्ट लवलेश भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग लवलेश, अगर आज बात करें इन्फोसिस की, काफी कॉशनेस यहाँ पर देखने को मिली, ऑलमोस्ट फ्लैट स्टॉक क्लोज हुआ है। कल नंबर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जी बिजनेस के जहां तक अनुमान की बात है तो मुनाफा इस बार करीब 4% तक गिर सकता है रेवेन्यू, लेकिन हल्का पिकअप देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी की तरफ से डॉलर आए और साथ ही गाइडेंस क्या मिलती है। मार्केट को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे, साथ ही इंफोसिस कल क्या देखने को मिल सकता है शेयर में। ओके, हम पहले मार्केट की बात करते हैं। लवलेश, आपके पास दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले अनुमान देख लेते हैं कि इस बार Q4 में जो नंबर्स रहेंगे, मुनाफा करीब 4% तक गिर सकता है, ये बिजनेस का अनुमान है। साथ ही अगर रेवेन्यू की बात करें, वहां पर हल्की बढ़ोतरी होते हुए दिख सकते हैं। डॉलर से आय में करीब 1.5% तक का इजाफा इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक का भी ऐलान कल हो सकता है। और इन्फोसिस के बैंगलोर कैंपस से अब लाइव कवरेज देख पाएंगे कल, तो नजर रहेगी नतीजों पर भी और साथ ही शेयर मार्केट में क्या कुछ एक्शन होगा वो भी कल हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो आईपी और सीपीआई के नंबर्स आए वो काफी निराशाजनक रहे हैं। फरवरी में इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ उम्मीद से काफी खराब रही है। आईपी गिरकर -1.2% पर पहुंच गया है। जी बिजनेस का अनुमान था कि इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड ज्यादा गिरावट इस बार दर्ज हुई। 2.7% से घटकर ये -1.2% रही है। खासतौर पर कैपिटल गुड्स, बेसिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भारी
गिरावट दर्ज हुई है। फरवरी में इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 2.3% से घटकर -2% पर पहुंच गई है, जबकि माइनिंग ग्रोथ 5.3% से घटकर 3.3% पर पहुंच गई है। इसी तरह कैपिटल गुड्स ग्रोथ की बात करें तो यह 10.7% से घटकर -3.4% हो गई है। तो काफी कमजोरी यहां पर देखने को मिली और इसका रिएक्शन कल शेयर बाजार में भी देखने को मिलेगा। जहां तक मार्च महीने के महंगाई आंकड़ों की बात करें तो इसने भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जी बिजनेस का अनुमान था करीब 4% तक रह सकती है, उसके मुकाबले 3.81% का आंकड़ा है। यही आंकड़ा अगर पिछली बार से कंपेयर करेंगे 3.65% पर था, यानी कि महंगाई के फ्रंट पर और साथ ही ग्रोथ फ्रंट पर दोनों तरफ से ही एक दोहरा झटका इकोनॉमी को देखने को मिला है। लवलेश, अगर आप सुन पाए हो तो आईपी और सीपीआई दोनों नंबर्स की जहां तक करें डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, उम्मीद से खराब रहे हैं आईपी के नंबर्स। सीपीआई भी अब चिंता का विषय हो गया है आरबीआई की, अब जो नेक्स्ट पॉलिसी रहेगी इसको फैक्टर इन करेंगे। मार्केट पर क्या रिएक्शन देख रहे हैं आप इसका? आई थिंक मार्केट ओवरऑल बुलिश ही रहेगा, जिस तरह से पहले हमने ये इवेंट को फेस करा है, गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक इनका सब पे नेगेटिव इफेक्ट देखने वाला है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आप एक परचेस की देखने पे ना 1990 और ऑन द हायर साइड दिस वी आर टारगेटिंग फॉर मेंटेन। चलिए शुरुआत करेंगे अब सवाल जवाब की, लेकिन तरीका बता दें क्विकली किस तरह से सवाल आप पूछ सकते हैं। किसी भी शेयर पर आपका सवाल है इन्फोसिस के अलावा, कोई भी आईटी शेयर या कोई भी स्टॉक आपने जो खरीदा हुआ है, आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, लवलेश आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पर जाकर भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त अंबिका है कानपुर से जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। अंबिका जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। अंबिका गुड इवनिंग, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो शोभित, इस वक्त हमारे साथ है जबलपुर से। शोभित गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछे। मैम मैं विनय बोल रहा था। ओके विनय, चलिए अपना बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप। विनय भुवनेश्वर से मैम। 100 शेयर थे मेरे 275 के हिसाब से वेदांता के, 15 दिन पहले मैंने लिए थे, 15 से 20 दिन पहले। वही पूछ रहा था मैम, होल्ड करूँ या बेच दूँ? वेदांता के आपने हाल फिलहाल में खरीद की है, एक बार स्टॉक का प्राइस बताएंगे किस भाव पे खरीदा आपने वेदांता? 274 समथिंग है मैम। ठीक है 274 के आसपास की इनकी खरीद है। फिलहाल जो अनाउंसमेंट्स आई हैं उसको देखते हुए क्या सलाह रहेगी लवलेश आपकी? अब मर्जर को लेकर जो अटकलें थी वो कम्प्लीटली खत्म हो गई, क्योंकि मर्जर अब कम्प्लीट हो गया, इफेक्टिव हो गया है 11 अप्रैल से। इनकी खरीद 274 के आसपास की है और 258 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है आज स्टॉक। क्या सलाह रहेगी वेदांता पे? वेदांता की जहां तक बात करें तो अब फिलहाल कंपनी ने दो दिन पहले ही ये सूचित किया है, बल्कि कल 11 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो गया है। 1:1 रेशियो के दर से शेयर होल्डर्स को मिलेगा, यानी कि एक शेयर अगर आपके पास है वेदांता का तो एक शेयर केन इंडिया का आपको मिलेगा। साथ ही केन इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए ₹70.70 का प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी हुआ है। इस फैक्ट आज के सेशन में देखें तो वेदांता एक बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि काफी कैश रिच कंपनी है केन इंडिया और ये मर्जर होने के साथ ही वेदांता की बुक्स पर इसका काफी असर देखने को मिलेगा। आज के सेशन में 258 का लेवल 2% ऊपर वेदांता का शेयर देखने को मिला। पिछले 6 महीने में भी देखें तो लगातार एक अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर अब लवलेश मौजूद भी है। लवलेश, वेदांता 274 की इनकी खरीद है, क्या सलाह है आपकी? आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लवलेश ने यही कहा कि आप इसमें अभी होल्ड ऑन करें, आप इसमें बने रहने की सलाह है आपकी। तो कल नजर रहेगी इन्फोसिस के नतीजों पर, साथ ही 20 ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स हमने आपके लिए चुने जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं। शक्ति पंप्स होगा पहला नाम जहां पर खरीदनी होगी आपको। कंपनी में एक प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, प्रमोटर ने हिस्सा 0.44% से बढ़ाकर 0.5% किया है। खरीदारी का यहां पर लक्ष्य होगा
263 का 254 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। आज के सेशन में भी 2.5% का मूव स्टॉक ने दिखाया है। कुछ समय के लिए लाल निशान में जरूर आया, लेकिन एक अच्छी बढ़त के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा डीसीबी बैंक खरीदारी के लिए एक और कॉल हो सकती है। 14 अप्रैल को बैंक के तिमाही नतीजे आने हैं और नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी की उम्मीद लगाई जा रही है। आज भी हरे निशान में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 187 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं। 179.90 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। इसके अलावा यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज प्रमोटर्स ने कंपनी के गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वाए हैं। एसबीआई कैप से करीब 15.02% गिरवी शेयर छुड़ाए हैं। पॉजिटिव खबर है, आज के सेशन में जरूर गिरावट दिखी है, लेकिन कल यानी कि थर्सडे के सेशन में बाय करें। 327 के लेवल्स के लिए 316 का स्टॉप लॉस लगाएं। आईबी रियल्टी आज चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। कारोबार के दूसरे चरण में अच्छी रिकवरी यहां पर देखने को मिली और अपने एवरेज से दुगना वॉल्यूम यहां पर इस शेयर में देखने को मिला है। खरीदारी के लिए लक्ष्य को 101.50 का 97.50 का स्टॉप लॉस लगाया। 8% की तेजी के साथ शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली है। वेदांता कुछ देर पहले इस पर बात भी कर रहे थे कि एयर इंडिया के साथ मर्जर अब कंप्लीट हो चुका है और मर्जर ने नतीजे और बैलेंस शीट दोनों ही मजबूत यहां पर देखने को मिलेंगे। मक्वायरी की तरफ से कुछ बयान आए तो ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। वेदांता के लिए 264 के लेवल्स के लिए बाय किया जा सकता है इंट्राडे में और 256 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा सन फार्मा एक शेयर है जहां नजर बना के चले। आज कारोबार के आखिरी आधे घंटे में यहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। फार्मा शेयरों में डिफेंसिव शेयरों के तौर पर खरीदारी की जा सकती है। आज के सेशन में 2% ऊपर, कल 695 का टारगेट रखें। 677 का स्टॉप लॉस सन फार्मा में आप रख सकते हैं। चुनिंदा तेल और गैस शेयरों में भी आज अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। एमआरपीएल एक स्टॉक हो सकता है आपके रडार पर, आज 5% ऊपर था। कल के सेशन में खरीदारी करें 122 के लक्ष्य के लिए। 116.20 का स्टॉप लॉस इसमें आप रख सकते हैं। इनफैक्ट क्वार्टर फोर में इन्वेंट्री ग्रेन होने की उम्मीद है, जो भी एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है। अगली कॉल होगी एक बिकवाली की सलाह, कॉरपोरेशन बैंक सेल करके चलें। सरकारी बैंकों के शेयरों में मुनाफा वसूली लगातार हावी है और इस शेयर में देखें तो दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। 55.50 के लक्ष्य के लिए आप सेल करें, 57.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। अदानी एंटरप्राइजेस सीएलएसई ने बिकवाली की सलाह दी है। लगातार इसमें गिरावट पिछले कुछ सेशन से देखने को मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैलेंस शीट पर भी एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होते हुए दिखेगा, ये आज सीएलएसई ने अपनी रिपोर्ट में कहा। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 6% की गिरावट अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है। इनफैक्ट अदानी पावर को लेकर जो फैसला आया उसके बाद पूरे अदानी समूह के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। कल के सेशन में 111 का लक्ष्य रखें, 116 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बिकवाली करें। अदानी पावर जो उसके खिलाफ ये फैसला आया, सीएलएसई ने यहां पर भी बिकवाली की ही सलाह दी है। 32 के लक्ष्य के लिए आप सेल कर सकते हैं, फर्दर इसमें गिरावट आ सकती है। स्टॉप लॉस 34.50 का आपको रखना होगा। इनफैक्ट अगर जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले जो मुंद्रा प्रोजेक्ट है कंपनी का, वो कंप्लीटली कर्ज में डूब सकता है। बड़ा नुकसान झटका कंपनी के लिए हो सकता है। सन फार्मा एडवांस्ड आज चुनिंदा फार्मा शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। सन फार्मा एडवांस में आप खरीदारी कर सकते हैं 352 के लेवल्स के लिए। 340 का एक स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप रख सकते हैं। याद रहे ये सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेस आपको मेंटेन करने हैं। इसके अलावा पिरामल इंटरप्राइजेस बाय करने की सलाह है। पिछले 3 सेशन से देखें तो शेयर में लगातार खरीदारी जारी है और इस साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। पिरामल इंटरप्राइज में 2094 के लेवल्स के लिए बाय करें, 2064 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज के सेशन में 1.5% ऊपर स्टॉक बंद हुआ है। मिंडा कॉप एक और स्टॉक है। आज ऑटो एंसिल स्पेस में कुछ सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिली, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 52 हफ्ते की एवरेज के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। लक्ष्य का 115 का 109 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। इसके अलावा द्वारकेश शुगर, आज शुगर शेयरों में भी अच्छा रुझान था। इनफैक्ट द्वारकेश शुगर की बात करें तो अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 4% चढ़कर यह शेयर बंद हुआ है। द्वारकेश शुगर में बाय करने के लिए 472 का लक्ष्य होगा, 457 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आईटीआई शेयर में आज अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। जनवरी 2008 के बाद मौजूदा स्तर पर शेयर पहुंचा, यानी कि एक लंबे समय के बाद यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 79 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 74 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना होगा। बॉम्बे बर्मा ये एक स्टॉक है जो आप पिक कर सकते हैं। कल के सेशन में पिछले 7 सेशन की गिरावट के बाद शेयर आज चढ़ा है 2% ऊपर इसकी क्लोजिंग में। सभी एम एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। बाय करने के लिए 855 का लक्ष्य होगा, 835 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा GSPL
तेल गैस शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। लगातार तीन सत्रों से वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली है। खरीदारी के लिए लक्ष्य हो सकता है 170 का, 163 का स्टॉप लॉस इंट्राडे में आप रख सकते हैं। इसके अलावा एमआरपीएल एक स्टॉक है जहां पर नजर बना के चले, 2008 के बाद इन स्तरों पर यह स्टॉक पहुंचा है, 5% की बढ़त देखने को मिली, 124 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 116 का स्टॉप लॉस लगाएं। एचओवी सर्विसेज एक और स्टॉक है जहां खरीदारी करके चले, छोटे आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और एचओवी सर्विसेज आवली और डेली चार्ट्स पर ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 199 का, 193 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर होगा कैम्फा बैल्कली का। केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, पिछले चार सेशंस की गिरावट के बाद आज ये शेयर चढ़ा है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 316 का, 304 का स्टॉप लॉस लगाएं। लवलेश, आपने 20 स्टॉक्स हमारी लिस्ट में सुने जिसमें से काफी हद तक तो ट्रेंड के चलते खबरों में रहे या फिर कह सकते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, खासतौर पर अदानी ग्रुप के शेयरों में आपकी राय क्या होगी? अदानी की पूरा ही एक हमने सेलिंग देखी है, सेल ऑफ होते हुए देखा, जैसा कि आपने बताया ऑफकोर्स मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नेगेटिव एक मूव इनिशियल भी देखे तो आप बन चुका है और ये आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहेगा जिस तरह से मैं गिरावट आई है। आई मीन ये थोड़ा सा फियर्स मूव था एंड कुछ भी एक जैसे आप बोले कि बैक एक मूवमेंट आता है ऑन द हायर साइड तो इट विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो अदानी पावर पे ऑफकोर्स हम नीचे की तरफ एक 30.5 से 31 तक के एक मूव और देख रहे हैं। ये स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच करता है तो हम 27 तक के भी स्लाइड हो सकते हैं। दूसरा अदानी एंटरप्राइजेज एज वेल काफी कुछ इसमें अभी भी मोमेंटम 103 तक के नीचे में दिखता है, तो ऑफकोर्स कोई इन्वेस्टर इसमें है थोड़ा बहुत भी अगर आसपास कॉस्ट प्राइस के तो मैं हम एग्जिट की ही सलाह देंगे। हम पूरा बेयरिश मूव कंटिन्यू होते हुए देखेंगे आने वाले कुछ सेशंस में। तो यहाँ पर न्यूज फ्लो के चलते भी एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई और साथ ही आने वाले समय में जानकार भी यही मानते हैं कि इसमें गिरावट गहरा सकती है, तो फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं और ऑलरेडी बने हुए तो एग्जिट करने की सलाह है। एक सवाल हमें मिला है श्री चरण का चेन्नई से ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, 75 शेयर है इनके पास लवलेश, 620 के स्तरों पर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है आपको? श्री चरण जी को मैं सलाह दूंगा आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक में 740 एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। इसने अपने अनचार्टेड टेरिटरी में ये रेजिस्टेंस एक बार टेस्ट करा है, प्लस इसमें एक एक्सटेंशन आप देखेंगे प्रीवियस रैली का तो वो भी इसको स्टॉक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब 740 के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक में हम नेक्स्ट मूव देख सकते हैं 790 से, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से 100 रुपये का एक मुनाफा हो रहा है। काफी कुछ आप बुक कर सकते हैं, आप अपना कॉस्ट प्राइस स्टॉप लॉस चाहे तो ट्रेल कर सकते हैं अग्रेसिवली टूअर्ड 665। ये स्टॉक अगर इसको बीच करता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं, वरना बने रहिए स्टॉक में। 740 के ऊपर इसमें एक बार और मूव आता है 790 तक के हम इसमें ऊपरी स्तर देख सकते हैं। तो अभी बने रहने की सलाह है, 740 तक का स्तर भी इसमें देखने को मिल सकता है। आज की क्लोजिंग 709 के आसपास हुई है एक बढ़त के साथ। अगला सवाल शामिल करते हैं, ये हमें भेजा मेघा ने सूरत से, जेएम फाइनेंशियल पर जाना चाह रही है लवलेश, 1000 एक क्वांटिटी जो कि 83 के लेवल्स पे ली हुई है। खरीद के लिहाज से देखा जाए तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, 100 रुपये से ऊपर इस शेयर आज क्लोज हुआ है। क्या सलाह रहेगी आपकी? ब्रोकरेज इंडस्ट्री में हमने ओवरऑल एक बाई मोमेंटम देखा है, जिस तरह से गिफ्ट सिटी एंड फर्दर प्रोडक्ट लाइन जो एमसीएक्स और एनएससी और बीएससी के आएंगे, आई बिलीव काफी कुछ ब्रोकरेज इंडस्ट्री को इससे काफी कुछ एक एक्सपोजर मिलेगा, काफी कुछ उनकी पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग भी होगी। जीएम फाइनेंशियल इनिशियल रनअप है, मैं मेघा जी को सलाह दूंगा आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक की रेंज अब समवॉट 90 से 140 हो चुकी है, तो ऑलरेडी हम ऑन द लोअर बैंड ऑफ द प्राइस ट्रेजेक्टरी है। इसमें ऊपर 130 से 135 तक के आपको लक्ष्य देखने को मिल सकता है अगर आप इसको होल्ड कर चले, जबकि कुछ आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 91 का एक स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हैं, वो ब्रेक होता है तो फिर आप एग्जिट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो 83 पर आपने खरीदा है, पार्शली मुनाफा बुक कर लें क्योंकि आपको अच्छा फायदा हो रहा है। 91 पर एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, बने रहने की सलाह है, यानी पार्शली बुक करें और पार्शली मुनाफा आगे चलकर बुक कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जगत वर्मा है लखनऊ से। जगत गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास इंट्रास्टॉक टेक्नोलॉजीज के 21 शेयर्स हैं। कौन सा स्टॉक बताया आपने? इंट्रास्टॉक टेक्नोलॉजीज, साथ ही आईडीएफसी पर भी आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, आईडीएफसी के भी मेरे पास 200 शेयर्स हैं और आईडीएफसी वाले 57 रुपीज के हैं और इंट्रास्टॉक टेक्नोलॉजीज वाले जो हैं वो 395। ऑलराइट, आईडीएफसी पर लवलेश आपकी राय क्या है? इनकी खरीद के आसपास ही है, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए काफी कुछ मोमेंटम स्टॉक में बनेगा, साइडवेज मूव हुआ है स्टॉक में, अभी ऐसा कुछ इंडिकेशन तो नहीं आया है
इसमें एक ब्रेकआउट हो सकता है, बट जिस तरह से ये स्टॉक पर्टिकुलरली बिहेव कर रहा है, कहीं ना कहीं स्क्वीज हो रही है रेंज, एक हम अपसाइड ट्रस्ट जो है स्टॉक में देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। वी बिलीव IDFC 58-59 को एक बार यू नो कंसिस्टेंटली ब्रेक करता है, 59.7 के ऊपर क्लोज होता है, तो वी बिलीव 64 इस स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। जबकि मैं इनको सलाह दूंगा कि आप एक बार 55 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें, अगर 55 के नीचे ये स्टॉक क्लोज होता है तो इसमें बियरिश मूव देख सकते हैं। तो आने वाले समय में कुछ बेयरिश मूव दिख सकते हैं, गिरावट देखने को मिल सकती है। और उनका सवाल है देहरादून से सुनील हाईटेक को लेकर, इनके पास 1000 है क्वांटिटी 13 रुपए के स्तरों पर। सुनील हाईटेक अभी इन स्तरों पर कैसा लग रहा है आपको लवलेश? अच्छा है स्टॉक, थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, मूव काफी कुछ इसके हाई बीटा स्टॉक है, काफी कुछ यू नो वॉलेटाइल लेते हैं, बट 13 रुपए की खरीदी है अरुण जी को मैं सलाह दूंगा, भले रहिए स्टॉक में। 16-17 तक हम लेवल देख सकते हैं, समवॉट एक इनिशियल इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 15.10 का, बट आई बिलीव स्टॉक में काफी कुछ मोमेंटम है टूवर्ड्स 16.2-17। होल्ड की सलाह रहेगी, अगर इसको स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से कि आप 12.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, इसके नीचे जाता है तो पोजिशन आप आपकी एग्जिट कर सकते हैं, वरना बने रहिए ऊपर में आपको यहाँ से 2 रुपए की और चाल दिख सकती है। ठीक है, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, आप 12.50 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ताकि आपका नुकसान कम हो। फोन लाइन पर हमारे साथ सागर है नागपुर से। सागर गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई लेकिन सवाल मैसेज के जरिए भी आया है सागर का, GSPL को लेकर क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये हमारी टॉप 20 पिक्स में से भी एक है, इनके पास 500 शेयर्स है 162.50 के लेवल्स पर, मुनाफा हो रहा है इनको, क्या करना चाहिए GSPL में अभी? बने रहिए सागर जी को ये सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम है, अगर आप देखें तो समवॉट लास्ट 3 महीने से एक मोमेंटम जो है वो बना हुआ है, स्टॉक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश ही है, तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा। 159 आपकी कॉस्ट है, आई बिलीव आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 159 का, ऊपर में आपके लक्ष्य रहेंगे 171 से 172, होल्ड की सलाह रहेगी। इनफैक्ट काफी अट्रैक्टिव है चार्ट पे, आपने भी रिकमेंड करा है, तो इंट्राडे प्लेयर्स के लिए आपको 167-168 एक बार लेवल सीख सकते हैं, ये स्टॉक पर्टिकुलरली 169 को ब्रीच करता है तो 170 तक के एक हमको अपथ्रस्ट मिलेगा इस स्टॉक में। होल्ड की सलाह रहेगी, अगर कोई निवेशक इसमें 1 से 2 दिन के लिए बाय भी करना चाहता है तो आप बायर रेडार पर रख सकते हैं। ऑल राइट, तो इंट्राडे के लिए एक अच्छा बेट रह सकता है, बने रहने की सलाह है। एक सवाल हमें मिला है अमित का पटना से, और उनका क्वेश्चन टूरिज्म फाइनेंस को आपको लेकर है, TFCI। इनके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो इनकी खरीद 55 के लेवल्स की है और 851 शेयर्स 850 शेयर्स के आसपास इनके पास है 55 रुपये पर। अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है, 84 के आसपास क्लोजिंग रही है, क्या सलाह रहेगी आपकी, किसी भी तेजी में क्या एग्जिट करना चाहिए इसमें? मैं अमित जी को एक स्टॉप लॉस दूंगा, काफी कुछ नियर ही है 81 का 13 डे SMA का आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि गोल्डन क्रॉस ओवर है इस स्टॉक में, 81 अगर ये ब्रीच करता है तो हम इसमें फर्दर करेक्शन टू 69 देख रहे हैं, अगर ये 81 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 86-87 एक रेजिस्टेंस, तो इसको काफी कुछ यू नो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, तो आप फिलहाल तो होल्ड करिए। आई बिलीव पर्टिकुलर स्टॉक हैज एन अपवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 69-90, जब 81 के नीचे साइड होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, तो एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड ऑन करने की सलाह है, और शुक्रिया लवलेश आपका, समय निकाला आपने और बात की, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। फिलहाल आज की पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।